हे गाइस वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ तो आज के वीडियो में अगेन मैं आपके साथ डेली प्रैक्टिस की कुछ वर्कशीट शेयर करूंगी और ये जितनी भी वर्कशीट हैं वो आप 6 से 7 साल के एज ग्रुप के बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इजिली इन वर्कशीट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने बच्चे की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग तो जो सबसे पहली वर्कशीट है दिस इज फॉर होमोफोन्स सो वी हैव चूज द करेक्ट होमोफोन एंड फिल इन द ब्लैंक्स तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने कुछ सेंटेंसेज लिखे हैं और एक स्पेस ब्लैंक है तो बच्चे को जो राइट right होमोफोन होगा वो यूज करके इस ब्लैंक को फिल करना है। तो homophones ऐसे words होते हैं मतलब जब आप उन words को बोलेंगे तो वो सुनने में सेम लगेंगे बट उनके जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट होंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जाम्पल लें माई मदर रीड मी ब्लैंक है आगे तो नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं टी एल ई टेल एंड टी ए आई एल टेल तो जैसे ये ये भी टेल है ये भी टेल है बोलने में दोनों सेम ही बोले जाते हैं बट दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंट है दिस टेल इज़ लाइक अ स्टोरी और ये टेल हो गई जैसे एनिमल टेल सेकेंड वी हैव माई सिस्टर ब्लैंक द फर्स्ट प्राइज अब ओ एन ई वन डब्ल्यू ओ एन वन सो द राइट आंसर इज डब्ल्यू ओ एन तो यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये वर्कशीट आप बच्चे के साथ तभी प्रैक्टिस करवाइए जब बच्चा इन वर्ड से फेमिलियर है और उसे इनके मीनिंग पता हो तो इनिशियली आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं वर्ड मीनिंग बताने में जैसे अगर आपने फर्स्ट सेंटेंस ही ले रहे हैं तो आप फर्स्ट सेंटेंस जब रीड करेंगे तो आप इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स बच्चे को बता दीजिए फिर आप बच्चे को कहिए कि कहीकिट ऑप्शन उन्हें जो भी लगता है वो चूज करके यहां पे लिखने के लिए तो यहाँ पे मैंने टेंथ सेंटेंसिस चिया को करने के लिए दिए थे होमोफोन्स के लिए तो अगर आप चाहें तो आप जस्ट फाइव सेंटेंसिस स्टार्ट कर सकते हैं आप सेंटेंसेस दे सकते हैं और आप गूगल सर्च कर सकते हैं कुछ और आइडियाज के लिए या फिर आप इंटरेस्ट में जाके भी होमोफोन्स की वर्कशीट जो है वो सर्च कर सकते हैं वहां पर भी आपको काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है दिस इज फॉर सेंसेज तो मैंने जस्ट कुछ रैंडम यहाँ पे सेंटेंसेज लिखती हैं लाइक आई यूज माई आईज टू सी आई यूज माई नोज टू स्मेल स आर यूज टू हेयर म्यूजिक तो बच्चे को यहाँ क्या करना है, उसे simply sentences को read करना है. फिर इसमें जो भी हमारी सेंस इन्वॉल्व हो रही होगी उसके लिए बॉडी पार्ट होगा वो बच्चे को यहाँ फिल करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नंबर की एक ग्रिड बनाई है तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है कि ड्रॉ लाइन्स टू ज्वाइन थ्री नंबर तो बच्चे को यहाँ पे तीन नंबर जो है उन्हें ज्वाइन करना है दैट एड टूगेदर टू मेक टेन तो बच्चे को यहाँ पे इस ग्रिड को अच्छे से चेक करना है और और देखना है कि कौन से तीन नंबर्स जो हैं, जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो उनका सम जो है वो टेन आएगा तो उन तीन नंबर्स को बच्चे को कनेक्ट करना है फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं अगर ये फर्स्ट रो में देखें तो यहां पे फोर प्लस फाइव इज नाइन नाइन प्लस वन इज टेन तो इस तीन को ऐड कर दिया देन वी हैव वन सिक्स थ्री सिक्स फोर जीरो फाइव टू थ्री तो यहां पे मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी कि जैसे आप फर्स्ट टाइम बच्चे के साथ ये वाली वर्कशीट कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं जस्ट इतनी सी ग्रिड आप बच्चे को करने के लिए दीजिए और तीन नंबर की जगह आप बच्चे को दो नंबर के लिए कहिए कि फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को ऐसे बोल सकते हैं कि ड्रॉ लाइन्स टू ज्वाइन टू नंबर्स ट एट टूगेदर टू मेक फाइव और सेवन तो जिस हिसाब से भी आप नंबर यूज कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी आप बच्चे को कनेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं बट स्टार्ट विथ इससे क्या होगा कि बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा और उसे थोड़ा आइडिया हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट का तो जैसे बच्चे को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया फिर आप ऐसी ग्रिड भी बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं नेक्स्ट वी हैव वन मोर वेरी एक्साइटिंग मैथ एक्टिविटी तो इसमें बच्चे को क्या करना है राइट द मिसिंग नंबर तो आप देख सकते हैं अगेन यहां पे मैंने ग्रिड्स में कुछ नंबर लिखे हैं और हर एक ग्रिड में एक एक नंबर जो था वो मिसिंग था जैसे यहाँ पे ये नंबर मिसिंग था इस ग्रिड में ये नंबर मिसिंग था और इस ग्रिड में ये नंबर मिसिंग था तो बच्चे को यहाँ पे मिसिंग नंबर्स को फाइंड करके लिखना था तो अब बच्चे को इसे सॉल्व कैसे करना है तो जैसे अगर आप ये फर्स्ट एग्जाम्पल ले लें तो बच्चे को अब इस ग्रिड में पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है तभी वो यहाँ पे मिसिंग नंबर जो है वो फाइंड कर पाएगा जैसे इन दिस केस वी हैव अगर आप रो वाइज इसे लें सो सेवन फाइव और आगे क्या है टू सो सेवन माइनस फाइव इज टू इस रो में हमें ये नंबर फाइंड करना था तो इसे अभी के लिए हम रहने देते हैं तो अगर ये वाली रो चेक करें जिसमें सारे नंबर दिए गए हैं तो थर्टी फाइव माइनस नाइनटीन इज सिक्सटीन तो जब हम ये दो रोज देखेंगे इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो थर्ड कॉलम है लेट से हम यहाँ पे इन्हें अगर नेम दे दे देते हैं ए बी एंड सी तो अब अगर आप ये वाली रो तो अब जैसे ये वाली रो इस वाली रो में क्या हो रहा है दिस इज ए माइनस बी इज सी तो अब सी कॉलम में कौन से नंबर आ रहे हैं जो भी नंबर हमारा ए कॉलम में होगा उसमें से हम बी कॉलम के नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर सी में आ रहा है लाइक सेवन माइनस फाइव इज टू थर्टी फाइव माइनस नाइनटीन इज सिक्सटीन तो अब यहां पे हमें क्या करना है ट्वेंटी फोर माइनस सेवनटीन सो द आंसर इज सेवन तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ अब जैसे इस केस में अगेन हमारे पास थ्री रोज और थ्री कॉलम्स हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने दो कलर के पेन यूज किए हैं इससे बच्चे को पैटर्न फाइंड करने में आसानी हो जाएगी तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी जब फर्स्ट टाइम आप ग्रिड दे रहे हैं तो दो डिफरेंट कलर के पेन यूज़ कीजिए ताकि बच्चा थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो अब जैसे इस केस में है सो सिक्स टू एट तो अब यहाँ पे माइनस तो नहीं हो रहा है बट यहाँ पे सिक्स प्लस टू इज एट सेकेंड कॉलम में है फोर थ्री सो फोर प्लस थ्री इज सेवन तो अब यहाँ पे अगर वैल्यू फाइंड करनी है दिस इज एट फोर एट प्लस फोर इज ट्वेल्व तो सिमिलर वे में आप एवरीडे बच्चे को एक या दो ग्रिड करने के लिए दे सकते हैं अगेन जब भी आप स्टार्ट करें प्लीज स्टार्ट विद द इजी वन तो आप छोटे नंबर लेके स्टार्ट कीजिए तो आई विल सजेस्ट कि आप फर्स्ट ग्रिड को छोड़ दीजिए जब आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप कुछ इस तरह की ग्रिड बनाइए जो कि बच्चे को समझना आसान हो एडिशन की ग्रिड बना के दीजिए देन सब्ट्रेक्शन की ग्रिड बना के दीजिए फिर स्लोली स्लोली आप सेम ग्रिड्स जो हैं वो मल्टीप्लीकेशन या डिविजन के लिए भी यूज कर सकते हैं अगेन जो भी आपके बच्चे का लर्निंग पे है या जिस भी स्टेज पे अभी आपका बच्चा है उसके अकॉर्डिंग डिफिकल्ट बना सकते हैं तो यहां पे की ये और हो सकता है इसमें थोड़ी गलती भी हो क्योंकि मैंने ये चेक भी नहीं की है तो सुडोकू बच्चे को कैसे सिखाना है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी इनकेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो रेफरेंस के लिए चेक कर सकते हैं तो इसीलिए ज्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी कि सुडोकू आपको बच्चे को कैसे करवाना है अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि आप बच्चे को सुडोकू कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं तो आई विल सजेस्ट आप वो वाली वीडियो चेक कर लीजिए इस वीडियो के बाद सो दिस वॉज द लास्ट एक्टिविटी शीट फॉर टू डेज डेली प्रैक्टिस वीडियो आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव था और अगर आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल थी देन प्लीज गिव दिस वीडियो पिक थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग